आपके प्यार में लगे देख के। तो हाँ जी, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यदि आप भी अपने इमेज के साथ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। बस आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए आसानी से वीडियो को एंड तक देखते जाना है बिना स्किप किए। एंड गाइज, आपको करना क्या है, वीडियो को एक लाइक कर देना है प्यारा सा सबसे पहले तो। एंड आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइज। एंड वीडियो पर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले काइनमास्क को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ये रेशियो सेलेक्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो। यहां पर आपको सेकंड नंबर वाला 9:16 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एडवांस में देख लेना है। नीचे देखिए, मैंने ये वाला रेशियो सेलेक्ट किया है और एडवांस में देखिए कुछ इस तरह से आपको मिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और नीचे क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपका गैलरी ओपन होगा, वहां से आपको एक इमेज ऐड कर लेना होगा। आपका ओनली वन इमेज है ना, तो उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। इसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन मीडिया पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है। इसके बाद यहाँ से मैंने ये वाला टेम्पलेट इमेज ऐड कर लिया है। इसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको भी इंक्रीज़ करके दोस्तों आपको जहाँ तक इमेज है बैकग्राउंड वहाँ तक आपका कर देना है। अब आपको करना क्या है कि स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है, इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके रखना और स्प्लिट स्क्रीन में फुल स्क्रीन इसको कर देना है गाइज। अब आपको अपने इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों आपको पेन एंड जूम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, उसमें आपको ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आपको इसको टू फिंगर की मदद से आपको इस पर जूम आउट करना होगा अपना जो आपका इमेज है यहाँ पर। जैसे आप जूम आउट करेंगे आपका इमेज इस तरह से इस बॉक्स में लेकर आना है, मोबाइल वाले बॉक्स में है ना। तो इस तरह से कुछ आगे की तरफ रखना है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रखना है इस मोबाइल फ्रेम में, ठीक है। तो अब नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड वाले पोजिशन में, तो इस पर हमने क्लिक करके रख दिया है। अब एंड पोजीशन पर क्लिक करेंगे नीचे वाले बॉक्स पे और फिर से आपको इसको जूम आउट करते हुए इमेज को यहाँ पर खींचकर नीचे की तरफ लेकर आना है और इस बार राइट साइड थोड़ा रास्ता ज़्यादा राइट साइड में रखेंगे आप। तो ये देखिए थोड़ा सा पूरा हाथ भी दिखने लगा है, अब थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे राइट साइड में, ओके। तो अब मैं बैक करता हूँ, इतना कर दिया हमने, देखिए फर्स्ट और लास्ट पोजीशन कर दिया हमने। अब देखिए इस तरह से आपका फ़ोटो इस मोशन में हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर जाने के बाद दोस्तों आपको मीडिया पर फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ से दोस्तों ये वाला म्यूज़िक बीट वाला टेम्पलेट ऐड कर लेना है। इसको नीचे स्क्रॉल करके दोस्तों ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में यहाँ से आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको साइज को छोटा करना है और यहाँ से इस इमेज में मोबाइल में नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जैसा भी आपको अच्छा लगे, ज़्यादा छोटा या बड़ा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है, थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है यहाँ पर इसको। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट में आकर दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है और ये वाला जो शेडो वाला PNG है वो ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थ्री डॉट्स पर टैप करके फिफ्थ नंबर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ही मोबाइल के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको ऐड करना है कुछ इस तरह से और इसको इंक्रीज़ कर देना है वीडियो के एंड तक आपको, ठीक है। तो इंक्रीज़ कर दिया है मैंने। अब आपको करना क्या है कि फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया में जाकर ये वाला जो लिरिक्स वीडियो है वो ऐड कर लेना है। इन सब का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ एडजस्ट करके नीचे जाना है हमको और ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है हमें, ठीक है।
तो ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थर्ड नंबर वाला ऑप्शन, मल्टीपल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, छोटा बड़ा है ना। तो मैंने एडजस्ट कर दिया, अब आपको ये देखिए थोड़ा मिड में कर देता हूँ मैं ऊपर करके, तो इसको मैंने कर दिया। अब आपको ये देखिए आपका वीडियो रेडी हो चुका है। तो देखिए प्ले कर लेते हैं एक बार। एंड इसके बाद लास्ट चीज़, अभी एक चीज़ बाकी है दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया में जाकर ये वाला टेम्पलेट ऐड कर लेना है, पार्टिकल टेम्पलेट। इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन करना होगा, और नीचे जाकर आप वो ब्लेंडिंग में जाना होगा और स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए अब हमारा वीडियो पूरी तरह से बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ क्लिक करके दोस्तों आप अपने वीडियो को सेव कर लेंगे, सेव एज वीडियो पर क्लिक करके, तो आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये लाइन फिल होगी, तो फ़िलहाल तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।